मुझे सीखने दो आंखें सीखने दो अब <laughs> तो बहुत ही शाना हराम खोर किस्म का आदमी हूँ प्रोजेक्ट्स फ्यूचर के बारे में क्या अभी बब से दस, साल के बाद में। नहीं नहीं मेरे को दस साल नहीं जाना अच्छा आप वही हो क्या जिनके साथ सर ने एक डाला है ना है ना है, ना प्लीज आप आ जाओ प्लीज आप आजो। आजो, आजो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ कोड़ो तक कोड़ो तक तक पर इन्होंने ना कोड़ो तक तक पर

किसी में भी ना दिमाग, मतलब ऐसे किसी में हां <laughs> <laughs> गाइस आपकी हिंदी और उर्दू दो दोनों ही मार्शल पसंद है बॉक्स में कर लेते हैं चलिए आपका <laughs> ऐसे आता है बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें की सर काफी अच्छा लगा बात करके हेलो हाय वेलकम टू एबीपी लाइव मेरा नाम भावना है और हमारे साथ हैं वन एंड ओनली गुलशन देवैया जी भाई यू नेम इज सो फिल्मी गुलशन क्योंकि मेरे माता पिता हिल्... फिल्मी संगीतों के दीवाने थे प्रेमी थे hmm. तो जब मैं पैदा हुआ तो वो सोच रहे थे कि मेरा नाम क्या रखें hmm. तो आई थिंक गुलशन बाबरा गुलशन बाबरा जी काफ़ी पॉपुलर थे वो टाइम पे hmm. तो uh, कुछ ऑप्शंस थे सचिन भी एक ऑप्शन था आफ्टर सचिन पिड़गांवकर hmm. और गुलशन मेरे मम्मी को ज़्यादा पसंद था तो गुलशन hmm. ah. जब, इन... जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए तो कभी गुलशन ग्रोवर और गुलशन इस नाम में कंफ्यूजन नहीं हुई कंफ्यूजन आई थिंक आप कुछ पत्रकारों को हुआ था आई थिंक 2012-13 तक हुआ था उसके बाद होने नहीं लगा क्या होता है कि वो कोई बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे इंडस्ट्री के नामी बड़े बुजुर्ग और जब वो गुजर जाते हैं तो फ़ोन आता है पत्रकारों का कि गुलशन जी आपने तो इनके साथ काम किया है क्या कहना चाहेंगे तो मैं तो मैं, मैं नहीं हूँ मैं ग्रोवर नहीं हूँ देवैया हूँ हरे सॉरी 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 ऐसा होता था अब नहीं होने लगा बिकॉज आई थिंक वो हो गया है कि दो तीन बार जब राजेश खन्ना साहब गुजर गए थे तो तब आई थिंक बारह तेरह फ़ोन कॉल आए थे यश yes, चोपड़ा जी जब गुजर गए थे तो कई सारे फ़ोन कॉल आए थे <laughs> मैंने ये ग्रोवर साहब को बताया भी है कि आपका फ़ोन कॉल uh, हाँ और कोई इवेंट था हैदराबाद में आई थिंक वो गलती से मुझे मैसेज और कॉल कर दिया था कि उनको जाना था ही वॉज अ गेस्ट सेलिब्रिटी ऐसे तो बड़ा पंगा हो सकता है मान लो कि हाँ, किस हाँ वो टिकट्स विकेट मुझे मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है कि सीयू गुलशन जी या होटल रूम्स सा बुक हियर द डिटेल्स फ्लाइट वाइट कि तो मैं तो नहीं हुई <laughs> तो नहीं तो, नहीं तो मैंने कॉल किया था तो फिर मैंने कॉल करके बोला कि आई थिंक आपने गलत कुल्शन को भेजा है।, की, की है तो जस्ट ले, तो लेट, तो लेट यू नो देट डो तो कन्फ्यूजन थैंक यू सो तो मच थैंक यू मैं आपने मैंने है वो नेल पेंट नहीं है वो वो हाँ सो इजी करके एक ब्रांड है जो सोनाक्षी सिन्हा प्रमोट कर रही है

Um, तो मैंने पूछा कि मुझे भी दे दो तो she said, I'll give यू समथिंग तो उनके पास ब्लैक मैंने बोला रंग बिरंगे दे दो मेरे को बट शी गेव मी द ब्लैक तो वो उस दिन में ब्लैक आउटफिट भी देखो देवीलाल सिंह hmm. हाँ तो पहना था मैंने अच्छा लगता है मुझे और तो इसके साथ सुविधा ये है कि वो रिमूव वि नहीं करना पड़ता है कि जब वो हाँ लगा दो फिर शाम को फेंक दो तो बस अच्छा आप ये बताओ कि चुकी मुझे पता चला कि आप बेंगलोर में आपका जन्म हुआ और आप तो मैंने ना अपने एक फ्रेंड को फोन किया वो कन्नड़ा स्पीकिंग है तो उन, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमको लैंग्वेज आती है कोवड़ी कोडवी को, कौन सी लैंग्वेज कोडवा हाँ तो उन्होंने बोला नहीं वो तो तुलू मिक्स होती है मैं समझ लेता मुझे बोलना नहीं आता नहीं है मिक्स तो तो मतलब मैं चाहती हूँ अलग भाषा है कर्नाटक की भाषाएं हैं बट अलग है बोलनी

सबमरीन नहीं हुआ है अभी तक तो, जहाज पे भी गया हूँ मैं फेरी बोट चप्पू वाली बोट वो भी हो गया है मोटर बेंगलोर से मुंबई तक का सफर जेट जयट नहीं 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 वैसा वाला सफर फिल्मी सफर कैसे था किया

तो अपने आप को इमेजिन करता था कि फिल्मों में एक दिन आऊंगा मैं था तो था। फिर स्कूल में बहुत करता था नाटक वगैरह मैं बहुत सक्रिय था उसमें तो शौक बढ़ने लगा फिर आई थिंक 21 22 की उम्र में मैं थिएटर करने लगा बैंगलोर में क्योंकि वो एक टाइम था कि मुझे पता था कि ये बचपन का सपना है बेवकूफ सा सपना है ये कभी साकार नहीं होगा जो आप कर लो मेरी मतलब मैं कर रहा था नौकरी वकरी कर रहा था ठीक ठाक चल रही थी फैशन ग्रेजुएट था मैं मैं कपड़े बनाता था चल रहा था तो मैंने कहा ठीक है शौक पूरा करने के लिए थिएटर कर लेते हैं करते करते लेकिन काफ़ी कुछ सीखा मैंने क्राफ्ट के बारे में एक्टिंग के बारे में ना ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी मुझे लेकिन अच्छे लोगों के साथ जुड़ा उन्होंने सिखाया किताबें दी उन्होंने बहुत पढ़ने को और एक्सपीरियंस भी हुआ थिएटर करते करते और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया कि मैं कोशिश तो कर सकता हूँ और थोड़े बहुत पैसे भी मतलब ठीक ठाक चल रही थी लाइफ तो मैंने कहा रिस्क तो नहीं है नहीं। तो देखते हैं कोशिश करते हैं और थिएटर से मेरे परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था लोगों से कई सारे लोग थे एन पास आउट एक दिन मेरे नाटक देखने आए थे तो उनका रिस्पॉन्स भी अच्छा था तो अब एन वाले बोलेंगे कि अ गुड एक्टर तो मान लेना चाहिए ना मतलब कुछ तो समझ होगी ना उनको मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लिए उन्होंने तो मैं अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा तो मेरे एक कोलीग थे जब मैं विगनली कॉलेज में पढ़ाता था, था पद्मनाभ राव तो वो पढ़ाते थे पढ़ाता था, था मैं हाँ पढ़ाता फैशन पढ़ाता था, था कोर्स वो कंप्यूटर सिखाते थे तो मेरे कोलीग थे तो हम हमारी अच्छी दोस्ती थी हाँ तो उन्होंने एक दिन बताया कि ही वॉन्ट्स टू बी अ न्यूज़ कैमरा पर्सन दिस इज आई एम सेंग इट बिकॉज इज रेलिवेंट तो मुझे लगा कि मैंने सुना है बहुत लोगों के कुछ ड्रीम्स होते हैं न्यूज़ कैमरा पर्सन मैंने सुना न्यूज़ कैमरा पर्सन स्पेसिफिक था वो न्यूज़ कैमरा पर्सन तो मुझे लगा है ठीक है तो फिर वो छुट्टी वुट्टी लिया था उन्होंने स्कूल में और मैंने थोड़ा उनका साथ दिया था उन कहते हैं कि तुमने बहुत साथ दिया था मेरा hmm. क्योंकि एक जगह वो ट्रेनिंग के लिए जाते थे तो मैं जा, गया था उनके साथ में वगैरह एंड देन ही बिकेम अ न्यूज़ कैमरा पर्सन है ना hmm. और उन उनके ऊपर प्रेशर भी था घर चलाना था बच्ची थी उनकी आई थिंक वो गाड़ी वाड़ी बेच दिया था उन्होंने माँ बाप थे उसके बावजूद ही टुक द रिस्कट द करेज टू डू इट एंड ही फुलफिल्ड इज ड्रीम ऑफ अ न्यूज कैमरा पर्सन हीज न्यूज़ कैमरा पर्सन ना बेज एड ऑफ बैंगलोर बट मतलब पूरे इंडिया भर में जाते अपना कैमरा लेके और कवरेज लेके फुटेज भेजते हैं right. हाँ और वो ये प्रोफेशनल ना और कई साल से काम कर रहे हैं तो तो कट टू तो, मतलब ये कुछ होने लगा टू के आसपास की बात है तो मैंने सोचा यार ये इतना सब प्रेशर के साथ ये आदमी ये कर सकता है तो मेरे ऊपर तो कोई प्रेशर, प्रेशर नहीं, नहीं है नहीं। तो मैं क्यों नहीं कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे करना है तो उसने थोड़ा हिम्मत दिया उस इंसिडेंट ने उनकी जो जर्नी थी तो फिर मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखता हूँ फिर मेरे क्लाइंट्स को बोल दिया कि मैं वाइंड अप कर रहा हूँ अपना पूरा कुछ उन्होंने कहा कि मुंबई मुंबई से कर लो कोई बात नहीं मैं नहीं नहीं वन ट्रैक माइंड रहेगी मेरी मैं करूँगा कोशिश एक डेढ़ साल दो साल कुछ नहीं हुआ तो मैं प्लीज मुझे अपने अकाउंट्स वापस दे देना मैं कुछ करने लगूंगा आपके साथ में दे क्योंकि मेरे तालुका तो उनके साथ काफ़ी अच्छे थे दे हैप्पी so वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी नौबत, नहीं आ, नौबत नहीं। की बात नहीं मैं मिस करता हूँ कपड़े बनाना डिजाइन करना बट आई थिंक के साथ भी कर सकते

लोग भले ही जो बोले hmm. अच्छा दहाड़ में कुछ लोग बोल देते हैं उठपटांग पर्ल की? मैं लगा तुम मैं तो ए, कुछ बोलते हैं क्या है, ये लग रहा है वो लग रहा है आई डोंट केयर कूल नाइस वेरी नाइस दहाड़ में आपका आपकी वो दहाड़ में एग्जैक्टली exactly क्या मतलब मैंने पर्सनली वो दहाड़ देखी थी मुझे दहाड़ में वो चीज पर्सनली दे... देखी थी आपने बाकी सब चीज वो इंपर्सनली देखा अरे नहीं मतलब मैंने

फिर गृहस्थी शुरू हो गई उनके दो बच्चे भी हुए लेकिन आई थिंक इंटेलेक्चुअली एक अनबन है देवीलाल को एक अच्छी मैरिज में नहीं है मतलब ठीक है अच्छा आदमी है फैमिली अच्छी है बच्चे सब अच्छे हैं बट आई इज़ नॉट हैप्पी समवेयर मतलब इंटेलेक्चुअली उनकी बीवी स्टिमुलेट नहीं करती वो ज़्यादा वो अपनी ही दुनिया में रहती है और ना बीवी के लिए वो देवीलाल जैसा कोई आदमी मतलब इंटेलेक्चुअली सही है तालमेल नहीं है उनके मैरिज में तो कई बार क्या होता है ना कि अब आप, आपकी गृहस्थी के बाहर की ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंटरेस्टिंग मिल जाता है कुछ अट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं अब उसका करना क्या है ये तो अलग बात है बट ऐसा एक है कि अंजलि बाटी बहुत ही काबिल एक अफसर है औरत है और सबकॉन्शियसली उसको सडनली रियल महसूस होता है कि हाँ मतलब काश मैं ऐसी कोई लड़की के साथ होता तो वो दिखाने का ये आ, 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 दिखाने की नेसेसिटी इसलिए थी क्योंकि इंटेलेक्चुअली आई थिंक उन दोनों का तालमेल ज़्यादा है, है। हाँ तो वो रियलाइज़ नहीं होता और एक सीन पे मैं बताऊंगा नहीं सीन क्योंकि वो वो अब हाँ थोड़ी सी वो इंटीमेट टाइप की सीन है उसके दौरान वो सडनली उसको रियलाइज होता है कि आई एम एक्चुअली मे बी इवन अट्रैक्टेड टू मैंने देखा है मैंने हाँ होता ऐसे नॉर्मल है इसका मतलब ये नहीं है कि हम um, शादी टूट जाएगी डिवोर्स हो जाएगा इसका मतलब नहीं है These are normal things. कभी में बहुत बार होता है, है है आपको फिर सोचना पड़ता ना, आपकी responsibilities भी होती है, relationship के uh, प्रति और वेदर इट्स वर्थ इट और नॉट तो कभी um, क्या तो आवेश में आके होश नहीं खोना चाहिए आप मुझे अब ये बताइए प्रोफाइल ये, ये दूसरी बार थी हाँ पहली वाली मैंने, think, 2008 में थी, फिर वो hmm, उन्होंने तो हाँ, तो, हाँ, hmm. uh, तो, वापस कर दिया था सॉरी बोल के so, थैंक यू कौन था पता नहीं कोई अनजान आदमी था पता नहीं हो गया था फिर मैंने फिर वो अकाउंट बंद कर दिया था अभी मेरा जो है आई थिंक बारह से है दो से हाँ तो ये फेसबुक का अकाउंट तो मैं 2008 में शिफ्ट हुआ था मुंबई तो वो टाइम पे मैंने फेसबुक अकाउंट भी तब खोला था कि हम देखते हैं क्या in है टू बी इन टच विध फैमिली फिर नेटवर्किंग और वो टाइम पे फेसबुक काफ़ी नया भी था और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता था और अगर आप नहीं हो फेसबुक पे तो फिर आपको ऐसे फोमो भी होता होगा खुद को भी और दूसरों को लगता फोमो की बात नहीं थी बट देख मैं ना बहुत सारे मेरे पुराने स्कूल के थे जो मेरे साथ प्राइमरी स्कूल में सब थे तो समटाइम्स इट्स नाइस कि अच्छा ये ऐसे हैं ये कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी ऐसी हाँ, है ये कि ये शादीशुदा हैं इनके ये बच्चे हैं ऐसे दिखते हैं फेसबुक की बेस्ट चीज़ ये है कि वो आपको ना मेमोरी हर बार दिला देता है इनके मुकाबले में अब ठीक हूँ यार ऐसे भी लगता है <laughs> <laughs> अरे ये तो मेरे उम्र के हैं <laughs> मैं ठीक हूँ <laughs> <laughs> अच्छा आपने फर्स्ट पोस्ट Instagram पे कब किया था क्या किया था किस कैप्शन के साथ किया था याद

मेरी बेटी के साथ डॉटर फिर कहाँ है अभी ये बेटी ये भी दूसरा अकाउंट है एक्चुअली पहले अकाउंट में एक पोस्ट किया था वो मुझे याद नहीं है वो आई थिंक मैं पासवर्ड भूल गया ट्विटर पे मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्वीट या तो आपने कुछ कर दिया हो किसी की तरह एक आई थिंक जो मैंने वो किसी ने बोला था कि व्हाट इज कंगनाज बेस्ट परफॉर्मेंस तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया था कि ट्वीटिंग एज रंगोली

आई थिंक 2014 में मैं पहली बार गया था कोई तो है बुलाए थे काफी कई सारे लोग hmm. कुछ तो सेलिब्रेशन था दट्स अ नेपोलिटान स्टाइल मतलब न्योपोलिटन नेपल्स स्टाइल पिज्ज़ास बनाते हैं hmm. और ऐसा माना जाता है कि पिज़्ज़ा नेपल्स से पिज़्ज़ा ने जन्म लिया था Achha. और फिर दुनिया भर में गया था इटली में है नेपल्स वहाँ पहली बार मैंने वो पिज़्ज़ा खाई वहाँ पर और वो इम्पोर्ट करते हैं अपना फ़्लावर वो बहुत चीज़ वगैरह सब और टोमेटोज़ वग़ैरह इटली से आता है और वो टाइम पे आई थिंक उनके इटालियन तो शेफ्स भी, भी इतली थे इतली हाँ वो टाइम पे 2014 में अब तो इन, आ, इंडियन शेफ्स हैं वहाँ पे जो आ, जिनको ट्रेन किया गया बट वो टाइम पे आई थिंक इटालियन शेफ्स भी थे वो बहुत मज़ा आया उस दिन के बाद हर महीने में एक बार तो मैं जाता हूँ मतलब दो से है तो हाँ मोस्टली आई थिंक एटलीस्ट वंस इन मंथ और वंस इन टू मंथ्स मैं वहाँ जा खाता हूँ

आज अभी मीटिंग है मीटिंग में नहीं जाऊंगी यही करूंगी मैं हां लॉकडाउन के टाइम पे करना चाहिए था क्योंकि चार महीने कर सकते थे एक नाम ना, हमारा अब वापस जाना पड़ेगा टाइम मशीन वगैरह है आप लोगों के पास नहीं यहाँ पे न्यूज़ न्यूज़ नेटवर्क में नहीं है इतना तो इतना तो आप देख न्यूज़ देख के तो लगता है सब कुछ है आप टोन्ट कर रहे हो ना ये नहीं 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 ना हाय रे मैं कौन होता हूँ टॉन्ट करने वाला घर में घुस के मैं बोलूंगा मेरे को <laughs> पागल हूँ मैं जूते नहीं पड़ेंगे भगा देंगे धक्के देखे भाग ऐसे थोड़ी ना, ना है कि मैं मेहमान हूँ <laughs> मैं पता है पता है पता है इसीलिए मैं ऐसी खता थोड़ी ना करूँगा बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं बीच या माउंटेन्स कहीं पे जाने का माउंटेन विद बीच

बहुत प्यारी नींद आती है जब खिड़कियों पे वो आ, बारिश की छींटे पर जो पड़ती है न, आ, आसे आसे। like cool. है ना आवाज ऐसे लेकिन करती या brain? Depends. Depends, कैसे क्योंकि कभी कभी कुछ खूबसूरत लोग दूर से रही तो बोल। है, है। लोग

कैट वाले वीडियोस और मैं और वासन कभी कभी वो एक दूसरे को वो कुछ फनी सा मीम्स भी भेजते हैं मोस्टली तमिल फिल्म के बारे में हमारे एक चहिता एक्टर हैं hmm. वडी वेलू वो जो तमिल के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं hmm. एक्टर हैं hmm. उनके बारे में कुछ ऐसा फनी वीडियोस हम एक दूसरे को भेजते रहते हैं hmm. क्या आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जो अब तक आपने यूज ना किया हो जैसे अभी आप कैमरा ऑन होने से पहले कर रहे थे ना वैसा कुछ

सब कुछ यूज होता है सही। खाना पकाता हूँ मैं वो यूज़ नहीं किया लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है वैसे भी क्यों मैं क्या? कुछ भी बना लेता हूँ मैं मैं तो अपनी रेसिपीज कुछ बना लेता हूँ मैं देखता हूँ फ्रिज में क्या है कवर्ड में क्या है क्या बना सकता हूँ अच्छा बना लेता हूँ मैं सब इम्प्रोवाइज जैसे नवाज भाई की एक्टिंग वाह वाह ये लाइन मिली ना लाइन लाइन मिल गई लाइन वाह क्या बात है अच्छा क्या आपके अंदर कोई इरिटेटिंग हैबिट है क्योंकि मेरे अंदर है और मुझे पता पता है 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 तो क्या आपके अंदर और और वो आपको पता है? और अगर हाँ तो मैं पता है। है, बहुत कुछ है इरिटेटिंग हैबिट लेकिन एक हैबिट है मेरी जो मैं सेट पे रहता हूँ तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मैं ऐसे गाना कोई भी गाना गुनगुनाते रहता हूँ कोई बात कर रहा है कोई एक शब्द अंतरक्षरी टाइप का मैं खुद के साथ खेलता हूँ तो कुछ भी हाँ हाँ क्या डोंट रिजेक्ट मी आई एम लर्नर मुझे दो आँखें सेखने दो ट्रू ट्रू <laughs> गान अपनी लोडेड है टारगेट भी कोडेड है ट्रिगर पे उंगली है मन एकदम जंगली है आँखों में मस्ती है हरकत ये सस्ती है ओ माय लॉर्ड काम देव ये आपको इरिटेटिंग क्यों लगती है तो कितनी बढ़िया है है सभी एंजॉय कर सकते हैं जितने लोग सेट नहीं नहीं वो सेट के बीच में सब लोग अपने अपने जोन में रहते हैं तो तब थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेता हूँ यार मैं भूल जाता हूँ मैं एक्साइट हो जाता हूँ मैं बहुत इट हेल्प्स मी रिलैक्स यू नो क्योंकि जैसे कोई आपको लुक देता होगा ना नहीं नहीं कई बार ऐसे ऐसे आता है नाइस समझ गया कुछ लोग तो जैसे सुधांशु सारिया एक डायरेक्टर जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ उलझ शूट कर रहा हूँ अरे यार ये फिर चालू हो गया ऐसे ऐसे <laughs> <laughs> ऐसा ना हम लोग मतलब ऐसा

नहीं नहीं, नहीं नहीं मैं बहुत शर्मिला था मैं, मेरी तो फट जाती थी आ, हिम्मत ही नहीं होती थी लड़कियों से बात करने की मैं कोट स्कूल में पला बड़ा तो बट मैं बहुत शायद था और कुछ थोड़ा बड़ा हुआ मैं जब मैं कॉलेज में मतलब सोलह सत्रह साल का हुआ था तो मैं क्योंकि परफॉर्मेंस से सब करता था ना तो लड़कियों को अच्छा लगता था तो जब मैं ग्यारहवीं बारी वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में गया था मैं स्टेट बोर्ड का कॉलेज होता है ग्रेजुएशन के लिए नहीं नहीं एलेवेंथ ना स्टेट बोर्ड में कर्नाटक में कॉलेज होता है, है प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज बोलते हैं उसे अच्छा। तो मैं उधर गया था तो पहले साल में जो आ, शुरुआत में कुछ तो था परफॉर्मेंस याद नहीं मुझे मैंने कुछ तो किया था तो एक सात आठ लड़कियों का एक झुंड होता था जो रोज़ गेट के सामने खड़ी रहती थी मुझे गुड मॉर्निंग हेलो बोलने के लिए और मैं नहीं मैं से करके चला जाता था तो अच्छा तो लगता था लेकिन वो अगेन वो बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड और बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस लड़का था जो परफॉर्मेंस मतलब तो किरदारों के पीछे छुप जाता था मैं क्योंकि किरदार मैं नहीं हूँ ना गुलशन देवैया नहीं है किरदार तो कोई और है तो मैं बड़ा कम्फर्टेबल महसूस करता था अब नहीं हूँ ऐसा अब तो बहुत ही श्याणा हराम का आदमी कभी किसी पचड़े में फंसे हो आप जो कि आपने किया दोस्ती यारी का का किसी उठा लिया यार तो बहुत हुआ होगा पछड़ा जैसे कि जैसे मेरे साथ ही होता है जनरली अंडरस्टैंडिंग तो बहुत हां जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर मेरे को बोलता है ना तो फिर मैं उसके लिए आके स्टैंड लेने लिए ले, चल 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 लड़ाई करनी चल 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 अच्छा। वो बंदा पीछे हो जाता है फिर मैं आगे हो जाती हूं फिर मेरे से लोगों को ग्रजेस हो जाते हैं फिर मैं बैठी हूं ऐसा आपके साथ हो?

अप्लाई तो नहीं, नहीं किया मैंने नहीं वो तो लेडीज टेलरिंग के लिए लेकिन रोड रोड क्रॉसिंग में भी शॉपिंग का मैं भी वर्ल्ड चैंपियन हूँ मैं शॉपिंग हाँ मैं तो मतलब हाँ हाँ आपको भी करना है तो मैं आपके साथ करवाऊंगा आपकी शॉपिंग साथ में सुबह से लेकर शाम आप थक जाएंगी आप गिर जाएंगी मैं खड़ा रहता हूँ मैं खड़ा रहता वहाँ पे मतलब नहीं नहीं चलो ट्राई करना है ये

तो है ऐसा कुछ कहीं आप जाने वाले हो एक लिस्ट बनाया मैंने लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार टाइम है तीन कल सुबह वापस जाऊंगा फिर दो तारीख को फिर वापस समय मिलेगा तो हम लोग वापस आएंगे और बातचीत करेंगे आप लोगों के साथ अगर समय नहीं मिला तो किसी और टाइम जिंदगी बहुत बाकी है मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है आपने हमसे बहुत अच्छे से और बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें की सर काफी अच्छा लगा बात करके ठीक है थैंक यू सो मच अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है लाइक से 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 सब्सक्राइब लाइक शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब्सक्राइब हाँ तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सिर्फ तो? अच्छा लगा तो अच्छा नहीं लगा तो कुछ नहीं करना नहीं क्यों नहीं करना अच्छा लगेगा आपको लगना चाहिए अच्छा आपको पैसे मिलेंगे

ठीक है अच्छा आप वही हो क्या जिनके साथ सर ने डाला है ना? है ना है ना है।, है ना प्लीज आप आ जाओ प्लीज आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नमस्कार दोस्तों ये, <laughs> रिचा <बोयार>, ये <laughs> है रिचा भोयार ये मेरी मैनेजर है दो साल से मेरी मैनेजर है यस इटस बीन 2 इयर्स ब्लिंग एंटरटेनमेंट में काम करती है यस yes.

मैं अपने काफ़ी दोस्तों के साथ बैठी थी एंड uh, हम तब uh, बाहर के लोग आए थे बॉम्बे में काम करने के लिए uh, हफ्ता भर काम करते थे पढ़ाई करते थे कुछ था नहीं करने के लिए hmm. मूवी आई एक हंटर हमने देखी मतलब मुझे पता था कि चलो एक कोई मूवी आई एंड वी वर इन द वी वर इन वन रूम फॉर टू डेज वी हैवन स्टेप्ट आउट एंड हमें बाहर निकलना था और मैं सबको बोलती कहीं जाते हैं घूमते हैं बैंडरा चलते हैं कुछ करते मूवी देखते हैं एंड एवरी वन वॉज लाइक ये कोई मूवी नहीं मैं कह नहीं एक मूवी आई है बोले कौन है एक? Hmm. कौन सा एक्टर्स है नहीं पता है बिकॉज वी वर वेरी यूज टू बैक इन दैट इज़ वी वर वेरी यूज टू कितनी कोई शाहरुख खान सलमान yeah. खान की मूवी देखनी ऐसी कोई मूवी देखनी मैंने कहा नहीं पोस्टर बहुत बढ़िया लगा मुझे देखने जाते हैं वी वर अराउंड टेन नॉट इवन टेन एक्चुअली अराउंड फिफ्टीन पीपल फिफ्टीन सिक्सटीन पीपल सबको कन्वेंस करके लेके गई एंड वे हेड द ग्रेट टाइम बहुत मज़ा आया था इतनी फनी मूवी है द कैरेक्टर वॉज सो रिलेटेबल स्पेशली टू द गाइज एंड ऑल माई गाई फ्रेंड्स एवरी वन हैड फन हम लोग जब बाहर निकले हुए इट वॉज वर्थ वॉचिंग एंड रिसेंटली मुझे मैं बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती हूँ एंड रिसेंटली मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि तुझे पता है कि ये एक इंसिडेंट हुआ था एंड लुक द आयरन यू आर मैनेजिंग हिम नाउ एंड आई मतलब कई बार होती है सबकॉन्शियसली आप कुछ चीज़ें बोलते हो एंड शायद मैंने सोचा होगा यार ये क्या एक्टर है मुझे काम करना है उनके साथ एंड नाउ आई इट्स बिन टू ईर्स आई एम वर्किंग विथ हिम

नज़र में भी बिलीव करती तो मैं इतनी कॉन्शियस हूँ कि नहीं मुझे शेयर नहीं कर सकती मैं ज़्यादा बिकॉज <laughs> uh, ये बहुत रेयरली होता है आप अपने uh, काम में एक uh, अच्छा बैलेंस ला पाते हैं ये मेरे काम में बहुत बैलेंस लेकर आते हैं तो मैनेजर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है वैसे Uh, सारे मैनेजर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं <laughs> हमारे जितने भी टीम लीड्स और मैनेजर्स हैं सो या इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस बट वेरी नाइस स्टोरी और होपफुली uh, आपको ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मिलती रहें है ना <laughs> और अब uh, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है <laughs> लाइक शेयर करना है वीडियो को और चैनल को ओह सॉरी <laughs> अब <laughs> अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो में कॉमेंट्स कीजिएगा अपना फीडबैक्स जो है वो जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज एंड की वॉचिंग एबीपी लाइव एंड ई एन टी लाइव थैंक यू सो मच